भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुनने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। कुरुक्षेत्र को धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक विशेष स्थान माना गया है। यहाँ पर इन कारणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म का क्षेत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान राजा कुरु द्वारा तपस्या और यज्ञ करने के लिए चयनित किया गया था। राजा कुरु ने यहाँ पर यज्ञ और तपस्या की ताकि यह भूमि धर्म की स्थापना के लिए आदर्श स्थान बन सके। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि यह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र और शुभ माना जाता था। इस भूमि पर युद्ध होने का मतलब था कि यह युद्ध केवल सत्ता या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत काल से पूर्व भी युद्ध और तपस्या का स्थान रही है। इसे महाभारत के युद्ध से पूर्व कई राजा महाराजाओं ने युद्ध के लिए चुना था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है, जो इसे महाभारत के युद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे युद्ध के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह स्थान मध्य भारत में स्थित है और यहाँ से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों तक पहुँचना आसान था। यह एक बड़ा और विस्तृत मैदान है जहाँ बड़ी सेनाएं आसानी से तैनात हो सकती हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के आसपास की भौगोलिक स्थिति भी युद्ध के लिए उपयुक्त थी, जिससे दोनों पक्षों को अपनी सेनाएं व्यवस्थित करने में सुविधा हुई। रणनीतिक दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र की भूमि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। यह स्थान दोनों पक्षों के लिए एक तटस्थ मैदान था जहाँ किसी भी पक्ष को भूगोलिक लाभ नहीं था। यह सुनिश्चित करता था कि युद्ध निष्पक्ष और समान परिस्थितियों में लड़ा जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की स्थिति ने दोनों पक्षों को अपनी सैन्य रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का अवसर दिया। नैतिक दृष्टिकोण, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को इसलिए भी चुना क्योंकि यह स्थान नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह युद्ध केवल एक राज्य या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध होने का मतलब था कि यह युद्ध धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इन सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुनने का निर्णय बहुत सोच समझकर लिया था। कुरुक्षेत्र की धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और रणनीतिक महत्वता इसे इस युद्ध के लिए आदर्श स्थान बनाती है। इस पवित्र भूमि पर लड़े गए इस महान युद्ध ने धर्म और अधर्म की परिभाषा को स्पष्ट किया और युगों युगों तक लोगों को प्रेरित किया।